जहां एक पूरी सोसाइटी डूबी हुई है। ना पानी है ना कुछ है। कल से फुल जलभराव है, सैकड़ों लोग यहां से जा चुके हैं, कंप्लेंट लगातार आ रही हैं। कल से अभी तक क्या एक्शन लिया? दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश में द्वारका सेक्टर 3 में स्थित आदर्श अपार्टमेंट की जनता सड़कों पर खड़ी है क्योंकि उनके घर दरिया में तब्दील हो चुके हैं। यहां लगभग 608 DDA फ्लैट्स हैं जिनकी पार्किंग, मोटर, गाड़ियां, पेड़ पौधे, घर के फर्नीचर सब कुछ पानी में डूब चुका है। घर की बिजली, पानी सब बंद है। सैकड़ों लोग सोसाइटी छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। जो बचे हैं वो बाहर खड़े होकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के विधायक और पार्षद को कई बार इसकी शिकायत दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो द्वारका सेक्टर 3 के आदर्श अपार्टमेंट में इस वक्त मौजूद हैं। ये भयंकर तस्वीरें दिल्ली की आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। यहाँ जिस हालत में लोग जी रहे हैं वो आपने कभी नहीं देखा होगा। गली मोहल्ले चौक चौराहों पर तो पानी भरा हुआ आम बात है लेकिन इस पूरी सोसाइटी को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। पूरी सोसाइटी डूब चुकी है, घर डूब चुके हैं, मकान डूब चुके हैं, गाड़ियां डूब चुकी हैं, घुटने से ऊपर तक पानी आपको नज़र आ रहा होगा। हर जगह जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक पानी ही पानी। ये घर आप देखेंगे जहां लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, और यहां आप देखेंगे किस तरह से पानी भरा हुआ है। देखिए कल रात से हम लोग पूरी दिल्ली कुदरत का कहर झेल रहे हैं और अब उसके बाद हम सरकारी तंत्र की जो निष्क्रियता है उसका कहर हम सब झेल रहे हैं, जिसका आप ये सब देख रहे हैं क्या हाल है यहाँ पर। हम लोग बहुत ही मुश्किल में हैं। यहाँ पे जितने भी रेजिडेंट हैं, मैं कहता हूँ चारपाई पे बैठे हुए हैं अपने घरों के अंदर, जो है ना उनके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है पूरी कॉलोनी के अंदर। तो और लोग बेहद परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पर जो है। और DDA जो की हालत ये है कि मैं कहता हूँ सुनने को तैयार नहीं है। DDA का कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे कल यही JE आया लेकिन उसने एक जो है ऐसा पंप भेजा जो हर आधे घंटे के बाद बंद हो जाता है और उसने कोई भी पानी यहाँ पे निकाल नहीं पाया। ये देखिए, ये द्वारका जिसे कहा जाता है बहुत डेवलप्ड एरिया है, उसी जगह की ये तस्वीरें। कैमरामैन से कहूँगा अंदर आए। लाइट एक्चुअली कट की हुई है और लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, लोग ऐसे अंधेरे में बैठे हैं। सोफ़ा सेट, इतने महंगे महंगे फर्नीचर्स लोग खरीदते हैं अपने घर को एक शानदार लुक देने के लिए, लेकिन सब कुछ डूब चुका है। कोई भी अगर करंट आता है, कोई मरता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन, शासन कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल सोसाइटी के बगल में दिल्ली जल बोर्ड का वाटर प्लांट है। लोगों का आरोप है कि वहां का सारा पानी सोसाइटी में घुस जाता है। सोसाइटी में पानी निकालने के लिए एक पंप MCD की तरफ से और 3 DDA की तरफ से लगाए गए हैं लेकिन लोगों का आरोप है कि मेंटेनेंस न होने के चलते ये पंप भी खराब हो चुके हैं। 3 मोटर लगी थी, 30 HP की, लेकिन उसमें से एक ही चलती थी, जो एक ही सहारा थी हमारा, और वो मोटर भी अचानक से सुबह जो है ट्रिप हो गई। कब ट्रिप हुई इनको कुछ नहीं पता। और हमारे यहाँ एक भी अधिकारी नहीं आया देखने के लिए कि स्त्री और घरों में पानी भरा हुआ है। हम टॉयलेट नहीं जा सकते हैं, बाथरूम में नहीं, दो दिन से ब्रश नहीं किए हैं और वो घर में लैट्रिन का पानी भर रहा है। हम इतनी परेशानी होने के बाद भी आज 36 घंटे हो गए लेकिन एक भी अधिकारी देखने तक नहीं आया कि पार्षद कौन है। जब पार्षद और विधायक ने जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया तो मजबूरन लोगों ने 50,000 रुपए खर्च करके जल निकासी के लिए प्राइवेट मशीन मंगाई। 50,000 रुपए दे करके हमने प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर हायर किया है जो अभी इसको अपनी मशीनें लगा रहा है और पानी निकाल रहा है। निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा अभी हमें कुछ मालूम नहीं है सर, अंधेरे में हम लोग बिल्कुल। पब्लिक की हड़ताल और मीडिया की कवरेज जैसे ही क्षेत्र की पार्षद नितिका शर्मा के पास पहुंची वो तुरंत चली आई लोगों का हाल जानने। पानी का काम MCD का तो नहीं होता, हमारे छोटे नालियां होती हैं, नालियों से तो इतना पानी भरा नहीं है। अब बाहर का जो है और जो अनऑथराइज कॉलोनी है वहाँ से सारा पानी आ रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ के जो MLA हैं और यहाँ की जो दिल्ली सरकार है वो कभी इस जो ब्लेम आप लगा रहे हैं वही ब्लेम गेम चल रहा है। यहाँ के प्रधान भी कह रहे हैं कि हेल्प कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ ब्लेम क्लेम चल रहा है। ऐसा नहीं है, DDA कल से DDA के यहाँ पंप लगे हुए हैं, ब्लेम गेम कहाँ चल रहा है? पंप तो खराब है ना, पंप कहाँ खराब है? आप देखिए अब भी चल रहे हैं और DDA के XCN खड़े हैं, हमारे PC मीना जी ENC हैं, खुद आए हैं वो विजिट करके। देखिए सर, DDA के द्वारा जब बहुत कहने के बाद रात को 12:30 बजे पंप 3 पंप चालू हो पाए लेकिन जो रात सुबह 5 बजे फिर बंद हो गए थे। अच्छा। सुबह फिर उनको चालू कराया गया।
सोसाइटी के अंदर जो पानी का जल भराव है वो एक इंच भी कम नहीं हुआ है। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन बीइंग ए रेजिडेंट, सर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ 50-60 लाख रुपए के DDA के मकान खरीदे हैं, कोई प्राइवेट कच्ची कॉलोनियों में नहीं रह रहे, तो क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता कि हम आराम से रह पाए अपने घरों में? 40 से 50 फैमिलियाँ यहाँ से माइग्रेट हो चुकी हैं। नीतिका मैडम के साथ अभी अभी 2-3 जो डायलिसिस के जो किडनी पेशेंट थे वो उनके सामने अभी यहाँ से निकल के गए हैं। अब समाधान क्या होगा? हमें समाधान चाहिए। देखिए समाधान ये है, हमारे खुद ENC MCD के खड़े हैं यहाँ पे आके, वो खुद विजिट कर रहे हैं, DDA एक्सिन खड़े हैं, जल बोर्ड को हमने कॉन्टैक्ट किया है, वो जल बोर्ड का एक भी प्रशासन का नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब बताइए समस्या कहाँ है? जिसका काम है यहाँ पे वही नहीं आ रहा। MCD हम सेकंड हैंड है कि भाई चलो हम अपना सक्शन मशीन लगा देंगे, हम अपना पंप लगा देंगे, लेकिन मेन काम जिसका है वो डिपार्टमेंट तो आगे खड़ा हो, वो तो आगे काम करे। XCM भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। गलत बात मत करिए आप। ये जो यहाँ से पानी बाहर फेंकने का काम है ये DDA का है, ये 3 पंप जो है DDA के हैं, ये जो सेटअप है ये DDA का है। मैं आपको बताता, हमारा पॉकेट नीचे है, इसका पानी बिना मोटर की सहायता से नहीं जाता, और ये जो सिस्टम है ये DDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 3 पंप डूब गए, ये कैसे डूबे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आप बताओ? क्यों डूबे? आपके सामने खड़े हैं और उसके बाद जवाब दीजिए ना। नहीं, उसमें एक्चुअली कल ये हुआ, जो सीवेज पंप लगा हुआ है यहाँ पीछे BSES की केबल में कोई फॉल्ट हो गया और वो पंप रुक गया, और वो पंप रुकने की वजह से बारिश तो हो ही रही थी, आपको मालूम ही है इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, वो पंप रुक गया और उसकी वजह से पानी यहाँ भरा हो गया। अच्छा, तो एक ये यहाँ समस्या ये है कि ये थोड़ा सा लो लाएंगे और बराबर में जितनी भी मधु विहार है या जी ये पीछे राजापुरी कॉलोनी है वो नहीं, मेंटेनेंस मैंने आपको बताया ना कि BSES का जो केबल था उसमें स्पार्क हुआ और लाइट चली गई और 1-1.5 घंटे तक वो नहीं रेस्टोर हो पाया, हमारा मोटर नहीं चल पाया। देखिए जो हमारे हैंड का काम है हम वो पूरा कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पानी हमारा पूरा निकाला जाए, इसीलिए ENC साहब को भी हमने बुलाया और DDA वाले खड़े हैं ताकि ये कार्य इसको सोल्यूशन निकाले और जनता को इसका समाधान मिले। पूरी सोसाइटी में जल भराव से जनता इतनी परेशान है कि लोग बोरी बिस्तरा बांधकर रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं या फिर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन लोगों की मुसीबतों को कैसे खत्म करता है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।